हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स के बारे में। जी हाँ, आपने इंडिया में कई अलग अलग रिवर्स को देखा होगा, उनके बारे में जाना होगा। कई को हम होली रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। कई सारी ऐसी नदियां हैं जो हमारे देश के कई सारे राज्यों से होकर गुजरती है। एक नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है, किसी का उद्गम स्थल अलग है तो किसी का मिलन स्थल अलग है, कोई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है तो कोई अरब सागर में। ये सारी नदियां अलग अलग हैं और सबका पानी अलग अलग है। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? जब नदी में बहता पानी ही है, वो धरती से ही होकर बह रही है, फिर भी उनका पानी अलग अलग क्यों है? क्यों वो अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है और क्यों उनके पानी का टेस्ट अलग अलग होता है? किसी का फ्लो भी अलग अलग होता है, इवन जो उनकी फ्लो डायरेक्शन है वो भी अलग अलग है। तो इस चीज पर कभी आपने गौर किया है? और गौर किया है तो उस सवाल को आपने ढूंढने की कोशिश की। जब कोशिश की तो क्या आपको इसका जवाब मिला? एक्चुअल में जब मैंने एमपी में ही 2-3 रिवर्स को देखा, वहाँ का पानी टेस्ट किया, तो मुझे पता चला कि अरे, हर एक रिवर का टेस्ट अलग क्यों होता है? हर एक नदी का पानी अलग क्यों है? क्यों नर्मदा का पानी इतना अच्छा टेस्ट देता है और बाकी नदियों का नहीं? या पहले दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये छोटे प्लेस पे है शायद इसलिए। तो इन सारे क्वेश्चन को लेकर मैं एक इंसान के पास गई जिसे हम गूगल कहते हैं। गूगल पे मैंने ये सारी चीजें सर्च की तो बड़ी मुश्किल से, वैसे तो मुझे डायरेक्ट जवाब नहीं मिला, बट बड़ी मुश्किल से मुझे इसका आंसर मिला है। तो वही आंसर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम बायोसोम्स के साथ। जब हम नदियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है एक बहते हुए पानी की। झरने की बात करते हैं तो ऊपर से गिरता हुआ पानी की। समुद्र की बात करते हैं तो एक विशाल काय जल स्रोत की। तो वास्तव में नदियां हैं क्या? एक्चुअल में नदियां एक जल स्रोत है जो कि बहता हुआ पानी है, जिसमें ठहराव नहीं होता है। और इस पानी का उपयोग कई तरीके से किया जाता है। विद्युत उत्पादन में किया जाता है, गृह कार्यों में किया जाता है, और यहाँ तक कि वाहनों को धोने और कितने भी हमारे जल से रिलेटेड जितने भी काम, सारे काम किए जाते हैं। और मेनली हमारी जो गंगा रिवर है, नर्मदा है, इन्हें तो पापनाशिनी नदियां कहा जाता है, तो इनमें तो सब हम लोग पाप धोने जाते हैं। अब इन सारी चीजों के होने के बाद भी कहा जाता है कि गंगा रिवर जो है वो सबसे प्योरेस्ट है। क्यों? तो उसका भी कई कारण है, उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम शुरू करते हैं आपके सवालों के साथ कि क्यों हर नदी का पानी अलग अलग होता है, उसका टेस्ट अलग अलग होता है और क्या कारण है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम नदियों की बात करें तो हर एक नदी, जो यदि हम गंगा की बात करें तो वो हिमालय से निकली है, और नर्मदा नदी की बात की जाए तो वो अमरकंटक से निकली है। तो सबसे पहला अंतर तो नदियों में यही हो जाता है कि उनका उद्गम स्थान यानी कि जहां से उनका बर्थ हुआ है वो प्लेस अलग है। फिर वो जहां से बहती है तो वहां का एनवायरमेंट यानी वहां के जलवायु और वहां की जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ है, कौन कौन से तत्व है, वहां के एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, उस धरती से वो क्या अवशोषित कर रही है, और जहां से वो बह के निकल रही है यानी हिमालय से यदि गंगा निकल रही है तो हिमालय के जो पोषक तत्व है उसको वो अपने अंदर समाहित कर लेती है, और वो जितने फ्लो से आती हुई नीचे धरती पर आकर गिरती है और जब मिलती है तो वो कितनी डेंस होकर जाती है और फिर फ्लोट करती है यानी फिर बहती है। तो उससे उसके अंदर सारे वो मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका एक डिफरेंट कलर हो जाता है, डिफरेंट टेस्ट हो जाता है, जो कि वो कंटिन्यू वहां की जलवायु के साथ मिलते 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 उसमें एक कांस्टेंट टेस्ट और कांस्टेंट कलर बन जाता है, जिसके कारण उस नदी का पानी एग्जैक्ट वैसा ही लगता है, चाहे वो आपको पैक्ड फॉर्म में मिले या चाहे आपको किसी और फॉर्म में। यदि नर्मदा का पानी आपके घर तक भी सप्लाई होता है तो थोड़ा सा स्लाइटली टेस्ट में उसके चेंज हो सकता है, पर पूरा चेंज नहीं होता। हाँ, अब हम यदि बड़े लेवल की बात, रिवर्स में पानी होता है वो थोड़ा सा मटमैला दिखाई देता है, वो इसलिए क्योंकि अब कारखानों से निकला हुआ गंदगी, हमारे घरों से निकली हुई नालियां आदि सब उस पानी में छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से उसका पानी थोड़ा थोड़ा दूषित होता जा रहा है। उस कारण अब हमें नदियों का जो पानी है वो मैला दिखाई देता है। इसका साधारण सा उदाहरण है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी को डेड रिवर घोषित कर दिया गया, यानी वो बहुत ज्यादा दूषित है, उसे नाले के समान ट्रीट किया जाता है, जबकि यमुना रिवर को हमारी संस्कृति में 3 मुख्य नदियों में से दिया गया है, यानी गंगा, यमुना और सरस्वती में से एक वो मुख्य नदी है, पर उसमें इतना ज्यादा प्रदूषण फैल गया है जिसके कारण उसे डेड रिवर घोषित करना पड़ा।
पर अब जब हम बात करते हैं कि गंगा यमुना से अलग कैसे है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये यमुना का पानी है, ये गंगा का है, ये गोदावरी का है, ये कृष्णा का है, चंबल का है या नर्मदा का है, तो उसका सबसे मेन रीजन है कि वह कहाँ से निकल रही है और कहाँ से बह रही है। यानी अमरकंटक से यदि वो निकली है तो वो रेवा या नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, रेवा और नर्मदा होगी और उसका थोड़ा सा कलर येलोइश सा होता है। जी हाँ, नर्मदा का जो कलर है पानी का वो येलोइश है और वह एमपी और गुजरात इन दो राज्यों में से होकर गुजरती है। तो वहाँ की जलवायु के हिसाब से यानी एमपी की यानी एमपी से इसका उद्गम हुआ है, तो वहाँ की जलवायु के हिसाब से इसने अपना कलर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए वहाँ की चट्टानों से, वहाँ की मिट्टी से लिए, जिसमें उसमें एक बार जब वो कॉन्स्टेंटली बहने लगे तो पूरी नदी में जहाँ तक वो फैली है वहाँ तक उसके सारे मिनरल्स बहते जाते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भी नर्मदा नदी है उसका हर जगह टेस्ट एक जैसा आता है और साथ ही उसके उतने ही मिनरल्स और उतने ही जो न्यूट्रिशंस है उसमें बने रहते हैं, क्योंकि उसमें कांस्टेंट वो चीज़ें मिलती जा रही है। दूसरी बात, यदि हम गंगा रिवर की बात करें तो वो सबसे प्योरेस्ट और सबसे न्यूट्रिशन वाली रिवर है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स अभी तक पाए गए हैं, इतने सारे खनिज पदार्थ हैं, जिसकी वजह से वो रिवर बहुत ज़्यादा प्योर है और उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। कई लोग तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वह बॉटल में पानी देख के भी बता सकते हैं कि ये नॉर्मल पानी है या गंगा का पानी है। बट अब हम केवल रिवर्स के उसके प्लेस पर कि हाँ, यदि ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में है तो ये गंगा रिवर होगी, यदि ये जबलपुर या ओमकारेश्वर में है तो ये नर्मदा रिवर होगी, और यदि ये दिल्ली में है तो ये यमुना होगी, वैसे ही हम जगह के हिसाब से उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बट कई सारी जगह आपने ऐसा देखा होगा कि जहाँ दो नदियाँ एक सागर में आकर मिलती है तब भी उनका कलर भी अलग अलग होता है, उनका फ्लो भी अलग अलग होता है। तो उसका मेन और एग्जैक्ट रीजन यही है कि सबसे पहला तो उनका उद्गम स्थल जहाँ से उनका उद्गम यानी कि जहाँ से उनका बर्थ हुआ है, और दूसरा जिस एरिया से, जिस एनवायरमेंट से वो बहकर उस एरिया तक आ रही है, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स, वहाँ के सोल रॉक और जितना भी एनवायरमेंट है जो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।